स्टूडेंट्स, मैं सर रोनक मंत्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे आगे वाले जो क्वेश्चन 16 पॉइंट एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस, वो भी है कोन का, शेप का नाम क्या है कोन, और उसका बेस का एरिया, तो एरिया ऑफ बेस जो दे रखा हमें 154। एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। पाई की वैल्यू 22/7 इनटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इनटू 7 अपॉन 22, ठीक है ना। कट करते हैं, 11 टू जा और 11 वन जा और यहां आ गया हमारे पास 4। ये 2 से कट हो गया 7 टाइम, तो यानी आर स्क्वायर की वैल्यू आई है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 7, ठीक है। फिर आगे दे रखा है अपन को स्लैंट हाइट है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्लैंट हाइट जो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए, देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ कोन, यानी ये तो हो गया हमारे पास एल, तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। तो एल की वैल्यू हमें पता है 25 का स्क्वायर, आर की वैल्यू पता है 7 का स्क्वायर, एच की वैल्यू पता है, एच की नहीं पता है, ठीक है ना। तो इधर ट्रांसफर करा देते हैं, 25 का स्क्वायर माइनस जो होता है 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49 एच स्क्वायर माइनस होता है 576 एच स्क्वायर, ये होता है 24 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हाइट आ गई हमारे पास 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ध्यान से। द डायमीटर्स ऑफ टू कॉन्स आर इक्वल, डायमीटर है कॉन के कैसे इक्वल है, तो लेट डायमीटर्स अगर इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल होनी है, तो हाइट अपन गिवन है, गिवन है टू कॉन्स डायमीटर्स कैसे हैं क्या इक्वल, डायमीटर्स आर इक्वल तो रेडियस भी कैसी होगी इक्वल, रेडियस आर इक्वल, ठीक है। हाँ आगे देखिए, एंड द स्लैंट हाइट आर इन द रेशो, स्लैंट हाइट उनका रेशो दे रखा है, तो फर्स्ट की स्लैंट हाइट और सेकंड की स्लैंट हाइट अपन मान लेंगे। L1 देखो इसमें स्लैंट हाइट का रेशियो क्या है 5:4, तो L1 हो जाएगी 5x, L2 हो जाएगी 4x, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोन इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन इक्वल टू जो है हमारे पास 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए, देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बिगर कोन, बड़े वाले कोन का सरफेस एरिया निकालना है। देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन। अब कर्व सरफेस एरिया इनका लेवे, तो अपन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। क्या है हमारे पास फॉर्मूला इसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन तो पाई आर एल, और यहां पे भी पाई आर एल। अब देखिए स्मॉलर कोन है तो कोन स्मॉलर कौन सा होगा,
जिसकी स्लैंट हाइट छोटी होगी, स्लैंट हाइट छोटी किसकी लग गई आपको, L2, तो L2 ऊपर आएगा और यहाँ L1, ठीक है ना। रेडियस इक्वल है तो कट कर देते हैं इनको और ये पूरी तरीके से कट, वैल्यू अपन को पता है। स्मॉलर कोन का कर्व सरफेस एरिया भी पता है 400, तो पुट कर देते हैं 400 अपॉन यहाँ लिख देते हैं सी एस ए, ठीक है, ऑफ बिगर कोन इक्वल टू L2 है हमारे पास 4x, ये 5x, ठीक है, x x कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 400 इंटू 5 अपॉन 4 इक्वल टू सी एस ए ऑफ बिगर कौन, 4 सेकंड हो गए 100 टाइम, तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर सी एस ए ऑफ बिगर कौन, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिए ध्यान से। द स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कोन आर इन रेशो 7:8:4। तो देखिए स्लैंट हाइट और पहले तो दे रखा शेप है जो कोन, स्लैंट हाइट और रेडियस का रेशो दे रखा है हमें, स्लैंट हाइट और रेडियस का रेशो देगा 7:4, ठीक है। इसके बाद देखिए इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अपन को लेट करना पड़ेगा, लेट एल इक्वल टू 7x और आर इक्वल टू 4x, ठीक है। अब बात आते हैं कि भाई इन्होंने क्या दे रखा अपन को, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू जो दे रखा है हमें 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर एल इक्वल टू 792, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4x, एल की वैल्यू 7x इक्वल टू 792, ठीक है। अब क्या करते हैं, 7 से 7 तो कट और 4 और 22 नीचे चले जाएंगे, x इंटू x, x स्क्वायर हो जाएंगे, 792 इंटू मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं आएगा, अपॉन में आएंगे हमारे पास 22 इंटू 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसको कट करना है, तो 11 के टेबल से कट करते हैं, 11 टू जा और ये कितने टाइम कट हो रहे हैं देखिए, ये 72 टाइम, ठीक है। और तो x स्क्वायर की वैल्यू कट होने के बाद अपने पास यहाँ पे कितने आने चाहिए, ये हो जाएंगे अपने पास 18 टाइम, ये हो जाएंगे 9 टाइम, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ रही 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू 3। फाइंड क्या करनी है, रेडियस, तो रेडियस इक्वल टू, रेडियस कितनी माइंड अपन ने लेट कर रखी थी 4x, तो 4x यानी कि 4 × 3 यानी कि 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो चुका अपना क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद आता अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए 9 मीटर हाई कोन इज 44 मीटर। देखिए है तो सेब कौन, सबसे पहले सेब का नाम लिखना, ठीक है, क्या है इसकी सर्कमफ्रेंस, दे रखी है 44 मीटर और जो लंबा है 9 मीटर, मतलब कि हाइट दे रखी है 9 मीटर, h इक्वल टू 9 मीटर, सर्कमफ्रेंस जो है हमारे पास 44 मीटर, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r इक्वल टू 44, 2 × 22/7 × r = 44, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं 44 × 7/2 × 22, r की वैल्यू कट होने के बाद आ गई 7 मीटर। अब फाइंड क्या करना है इसमें,
देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन इट, इसके अंदर कितनी हवा भरी हुई है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 7 × 7 और एच है 9, 3 × 3 = 3, ठीक है 7 × 7 कट हो गया। अब क्या करना है, को मल्टीप्लाई करना है 22 × 7 × 3। हाँ तो 22 × 21 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 42 आ रहे हैं, तो यहाँ हो गया हमारे पास 2 और कैरी 4, 22 × 42 मीटर स्क्वायर क्यूब, ये आ गया अपना वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक एक बार आप कंप्लीट करें, कोई भी इश्यू डाउट हो तो वापस एक बार जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।